The question given is, through the vertex D of a parallelogram ABCD, a line is drawn to intersect the sides BA and BC produced at E and F respectively. Prove that DA upon EE, AE equals to FB upon BE equals to FC upon CD. तो हम पहले एक parallelogram construct कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारा एक parallelogram. ये हो गया A, B, C, D. अब D से एक line जो AB को intersect करेगी और AC को, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं. सो ये हो जाएगा E और ये हो गया हमारा पॉइंट F. तो पहले हम क्या कंसिडर करते हैं, पहले हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BEF. तो अब हमें पता है कि AD इज पैरेलल टू BF, CF, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. अब एंगल DEA इक्वल्स टू एंगल FEB. ये क्यों, ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल FBE, क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं तो पैरेलल साइड्स के एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं करिस्पोंडिंगली. तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEF. तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि AD अपॉन AE, तो ये क्या होगा, AD अपॉन FB, AD अपॉन FB इक्वल्स टू AE अपॉन BE हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. तो इसे हम लिख सकते हैं AD अपॉन AE इक्वल्स टू FB अपॉन BE. ये हो गया हमारा इक्वेशन वन. अब हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल DCF, ट्राइंगल DCF एंड ट्राइंगल DAE. तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, इसमें हमें मिलेगा कि AD इज पैरेलल टू CF बिकॉज ये पैरेललोग्राम है. देन नाउ एंगल ADF इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल CFD. ये हो जाएगा एंगल CFD के इक्वल, क्योंकि ये हो गया इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. अब ADE, अब एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल FCD बिकॉज ऑपोजिट एंगल इन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल DCF इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAE. तो हम ये लिख सकते हैं कि जो रेशियोज होंगे, एंगल ADE का रेशियो AE और एंगल CFE का CD, तो AE अपॉन CD इक्वल्स टू ये हो जाएगा AE अपॉन FC के इक्वल, सॉरी ये हो जाएगा हमारा DA अपॉन FC के इक्वल, DA अपॉन FC के इक्वल. तो हम इसे लिख सकते हैं DA अपॉन EE इक्वल्स टू FC अपॉन CD बिकॉज दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स. तो इसे हमने दे दिया इक्वेशन टू. तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से दैट DA अपॉन AE equals to FC upon CD equals to FB upon BE. यही हमें प्रूफ करना था. सो हेंस प्रूफ्ड, दिस इज सॉल्यूशन.